हेलो एवरीवन, आज हम आगे पढ़ रहे हैं इंग्लिश के अंदर। कल की क्लास में हमने प्रेपोजिशन प्रैक्टिस करी थी, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, वन वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे, साथ में इडियम एंड फ्रेजेस की भी प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर, हम स्टार्ट करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस से। जो हमारे पुराने एग्जाम हो रहे हैं हरियाणा के, उसमें इडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर पांच पांच चार चार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है इडियम एंड फ्रेजेस। तो आज हम क्या करेंगे, अपने लेक्चर के अंदर इडियम एंड फ्रेजेस ही डिस्कस करेंगे। बस स्टार्ट करते हैं हम दो मिनट में। ओके 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 ओके, वेयर आर हियर इडियम एंड फ्रेजेस। देखो, देखो पहला इडियम एंड फ्रेज हम पढ़ रहे हैं, एड फ्यूल टू द फायर। दूसरा हमारा इडियम है टू एंड फ्रो। तीसरा हमारा आइडियम है क्रोकोडाइल टीयर्स। तो पहला वर्ड है हमारा आइडियम है एड फ्यूल टू द फायर। देखो फायर क्या होता है, आग। मान लेते कुछ लकड़ी हैं, इसमें आग लगी हुई है, अगर इसमें हम क्या कर रहे हैं पेट्रोल डाल दें तो क्या होगा, आग भड़क जाएगी। तो आग लगाना, आग भड़काना क्या होता है, एड फ्यूल टू द फायर। फायर क्या होता है, आग, और फ्यूल क्या होता है, तेल। डाल देंगे तो आग भड़केगी, आग भड़काना क्या होता है, ऐड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट है टू एंड फ्रो। मान लेते हैं कोई पेंडुलम है, पेंडुलम ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का क्या मतलब होता है, आगे पीछे आगे पीछे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्रोकोडाइल टीयर्स। देखो मान लेते हैं ये कोई क्या है, मगरमच्छ है, ये इसके आंसू हैं, तो मगरमच्छ के आंसू क्या होते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल के मतलब नकली आंसू कह सकते हो या मगरमच्छ के आंसू कह सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा इडियम एंड फ्रेज है, देखो नेक्स्ट हमारा है हार्ट एंड सोल। नेक्स्ट जो हमारा इडियम है वो है हार्ट एंड सोल। फोर्थ है हार्ट एंड सोल। देखो हार्ट क्या होता है, दिल। सोल होता है आत्मा। हार्ट का मतलब होता है दिल और सोल का मतलब होता है आत्मा। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है दिल और जान, यानी कि किसी काम के लिए आपने दिल और जान लगा दिया तो आप बोलोगे आई एम वर्किंग विद हार्ट एंड सोल, यानी कि मैं दिल और जान लगाना, हार्ट एंड सोल होता है। नेक्स्ट आपका वर्ड है लिव इन लर्च। फिफ्थ हमारा इडियम है लिव इन लर्च। देखो लर्च का मतलब होता है मझधार। ये मान लेते हैं कोई पानी का बवंडर टाइप है, इसको लर्च बोल सकते हो आप, बीच में बोल सकते हो। तो कोई अगर हमें बीच में छोड़ के इतला जाए, हमें तो बीच में छोड़ के इतला गया, खुद निकल गया, तो इसको बोलते हैं लीव इन लर्च। लीव होता है छोड़ना, तो मझधार में छोड़ना, बीच रास्ते छोड़ देना क्या होता है, लीव इन लर्च। नेक्स्ट आपका देखते हैं गेट इन टू हॉट वाटर। नेक्स्ट हमारा क्या है, गेट इन टू हॉट वाटर। देखो हॉट वाटर क्या होता है, गर्म पानी होता है। हॉट वाटर क्या होता है, गर्म पानी है, ठीक है ना। ये पानी मान लेते हैं उबल रहा है, अब इस गर्म पानी के अंदर हम अपना हाथ डालेंगे तो क्या है, समस्या आ जाएगी। तो गेट इन टू हॉट वाटर का मतलब होता है समस्या में फंस जाना। गेट इन टू हॉट वाटर का मतलब क्या होता है, समस्या में फंस जाना। ओके चले आगे, ये मैं रब कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, मेक अ मेस। नेक्स्ट हम इडियम पढ़ रहे हैं मेक अ मेस। देखो इंग्लिश में अगर मेस लिखा आएगा ना, इसका मतलब होता है गड़बड़ी। इंग्लिश में अगर मेस लिखा आएगा इसका मतलब होता है गड़बड़ी, तो सब कुछ गड़बड़ी कर देना, यानी कि सब कुछ खराब कर देना होता है मेक अ मेस। नेक्स्ट आपका लिखे
नेक्स्ट हम लिख रहे हैं रेड लेटर डे, रेड लेटर डे। देखो इंडिया में कैसे 15 अगस्त है, 15 अगस्त क्या है इंडिया के लिए, रेड लेटर्ड डे है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट दिन। 15 अगस्त क्या होता है इंडिया में, क्या रेड लेटर डे है। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे आगे पीछे। जैसे मैं दोबारा बता देता हूँ, हमने पढ़ा था टू एंड फ्रो। ये मान लेते हैं कोई पेंडुलम है, ये पेंडुलम इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे आगे पीछे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा पॉइंट क्या है, विन लॉरल्स। मेक अ मेस क्या होता है, गड़बड़ी कर देना। नेक्स्ट क्या, रेड लेटर डे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विन लॉरल्स। देखो नेक्स्ट हमारा इडियम क्या है, विन लॉरल्स। देखो लॉरल्स का मतलब क्या होता है, नाम, पैसा, शोहरत, ये सब क्या है, लॉरल्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है, विन लॉरल्स का विन क्या होता है, जीतना। आपने बहुत पैसा कमा लिया है, आपने बहुत नाम कमा लिया है, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव वन लॉरल्स, मैंने बहुत नाम कमा लिया है, मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, इसको क्या बोलूँगा, आई हैव वन लॉरल्स। तो विन लॉरल्स का मतलब होता है बहुत नाम पैसा यश कमा लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसी के अंदर, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज आउट ऑफ सॉर्ट्स। नेक्स्ट है आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है नॉट फीलिंग वेल। अगर मान लेते हैं कि किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो क्या बोलेगा, आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स। अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो क्या बोलेगा, आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स, मीन्स आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो आउट ऑफ सॉर्ट्स का क्या मतलब होता है, नॉट फीलिंग वेल। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, इन्स एंड आउट्स। नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स। मान लेते हैं आपने भी घर लेना है, मान लेते हैं आपने भी घर लेना है, तो घर लेने से पहले क्या होगा, आप इसके इन को देखोगे, इन का मतलब अंदर, और आप बाहर भी देखोगे आउट। आप पहले अंदर भी देखोगे इन्स एंड बाहर देखोगे आउट्स। तो घर लेने से पहले आप इन्स भी चेक करोगे आउट्स भी चेक करोगे। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है अंदर बाहर, यानी कि डिटेलिंग, बारीकियाँ। तो गाड़ी खरीदनी है तब भी आप उसके इन्स आउट्स चेक करोगे, यानी कि बारीकियों देखोगे, अंदर से कैसे दिखती है बाहर से कैसे दिखती है। तो बारीकियों को बोलते हैं इन्स एंड आउट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है नॉट फीलिंग वेल। अगर कोई बोलता है आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स, इसका क्या मतलब होता है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। नेक्स्ट आपका हम क्या पढ़ रहे हैं, इन फुल स्विंग। ये मैं रब कर देता हूँ। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, इन फुल स्विंग, इन फुल स्विंग। स्विंग का मतलब होता है झूला। ये मान लेते हैं ये कोई झूला है, और ये इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये झूला ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। तो इन फुल स्विंग का मतलब क्या होता है, पूरे जोरों पर होना। जैसे आजकल हरियाणा की तैयारी क्या है, हर बंदा कर रहा है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि HSSC प्रिपरेशन इज इन फुल स्विंग्स दीज डेज, यानी कि पूरे जोरों पे हैं। जब कोई चीज़ पूरे जोरों पे होती है तो क्या बोलते हैं, इन फुल स्विंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फुल ऑफ बीन्स। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स। देखो बीन्स का मतलब होता है दाल, बीन्स का क्या मतलब है, दाल। अब मान लेते कोई दाल वगैरह खाता है या अंकुरित अनाज खाता है, दाल होता है बीन्स, तो उसमें बहुत शक्ति है। अगर कोई दाल वगैरह खाएगा तो उसमें क्या है, बहुत शक्ति होगी। ऐसे इसके बॉडी वगैरह बना देते हैं, बहुत शक्ति है। तो जिसमें बहुत शक्ति है, जो थकता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, फुल ऑफ बीन्स है। जो एनर्जेटिक है, जो बहुत एनर्जेटिक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फुल ऑफ बीन्स है। जैसे ही इज़ अ मैन फुल ऑफ बीन्स, क्या मतलब है, वो एक ऐसा आदमी है जो थकता नहीं है। मेक अ मेस का मतलब होता है सब कुछ गड़बड़ कर देना। ये मैं रब कर देता हूँ, मेक अ मेस का मतलब होता है सब कुछ गड़बड़ कर देना। मेक अ मेस का क्या मतलब है, मेस होता है गड़बड़,
सब कुछ खराब कर देना, सब कुछ गड़बड़ कर देना क्या होता है? टू मेक अ मेस। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, ये मैं रब कर देता हूं। नेक्स्ट है प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। देखो डक्स का मतलब होता है बतख, डक्स का क्या मतलब होता है? बतख। मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा है, मान लो आपके पास क्या है 1 करोड़ रुपए आ गए, आपने क्या किया उन 1 करोड़ रुपए से बतख खरीद ली, बतख खरीद ली, टॉयज खरीद लिए, यानी कि आपने कोई भी इसको अच्छे से इन्वेस्ट नहीं किया पैसे को, आपने पैसा तो था लेकिन उसको वेस्ट कर दिया, गलत जगह पे लगा दिया, यानी कि ऐसी चीज़ें खरीद लेना जिनकी कोई आउटपुट नहीं है, उसको बोलते हैं टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, यानी कि पैसे को गलत जगह पे इस्तेमाल करना क्या होता है? टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है? ओके नेक्स्ट है ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, मैं रब कर देता हूं। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स क्या था? प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है गलत इन्वेस्ट करना। नेक्स्ट इज ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा। देखो हॉर्न्स का मतलब होता है सींग, जैसे मान लेते हैं कोई सांड या कोई गाय वगैरह, ये इसके सींग है, सींग को क्या बोलते हैं? हॉर्न्स। और डायलेमा होता है दुविधा, डायलेमा क्या होता है? दुविधा। आप दुविधा में हो कि मैं ये काम करूं या ये काम करूं, जब डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आई एम सिटिंग ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, जब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे करना क्या है, मैं ये करूं मैं या वो करूं, जब डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसको बोलते हैं आई एम ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, मैं डायलेमा के सिंह पे बैठा हूं कि मुझे मालूम नहीं है मुझे करना क्या है। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है? नेक्स्ट हमारा है चीक बाय जोल्स। नेक्स्ट और हमारा idiom है चीक बाय जोल्स, चीक बाय जोल्स। देखो लोग मान लो ये इंडिया का मैप है और ये जापान है, फॉर एग्जाम्पल। अब हम कह सकते हैं कि इंडिया और जापान में बहुत अच्छी दोस्ती है, इंडिया और जापान में क्या है? बहुत अच्छी दोस्ती है। हम क्या बोलेंगे? इंडिया एंड जापान आर चीक बाय जोल्स। चीक बाय जोल्स का मतलब होता है बहुत निकट संबंध होना, बहुत अच्छी दोस्ती होना। तो चीक बाय जोल्स का मतलब होता है बहुत नियरनेस होना, बहुत आपस में प्रेम होना, आपस में रिस्पेक्ट होना। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? बीट अबाउट द बुश। नेक्स्ट हमारा idiom है बीट अबाउट द बुश। देखो मान लेते हैं ये कोई ड्रम है और इसका सेंटर है, और ये आदमी क्या कर रहा है? इसके साइड साइड पे बीट कर रहा है। ये आदमी क्या कर रहा है? ड्रम के साइड साइड पे ही बीट कर रहा है। तो अबाउट का मतलब होता है आसपास, बीट का मतलब होता है पीटना। अगर हम किसी चीज के साइड पे ही पीट रहे हैं, सेंटर की बात नहीं कर रहे, हम मेन मुद्दे की बात नहीं कर रहे बल्कि आसपास की बातें ही कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, देखो डायलेमा का मतलब होता है दुविधा, डाउट भी कह सकते हो आप इसको। जब आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको करना क्या है, इसको बोलते हैं ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा। तो ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा क्या होता है? जब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। बीट अबाउट द बुश का मतलब है आसपास की बात करना, काम की मेन पॉइंट मेन मुद्दे की बात ना करना। ओके ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट idiom आपका स्मेल रैट।
देखो स्मेल रेट का मतलब क्या होता है कि आप स्मेल कर पा रहे हो, आपको जैसे कहीं पे कोई चूहा मर जाए तो हमें स्मेल आ जाती है कि यार कुछ कोई चूहा मरा हुआ है, तो जब कुछ गड़बड़ है तो बोलते हैं आई कैन स्मेल रैट। स्मेल रैट का मतलब होता है कि आपको ना गड़बड़ दिख रही है कि समथिंग इज रॉन्ग, तो उसको क्या बोलते हैं आई कैन स्मेल रैट। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। नेक्स्ट हमारा इडियम है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। इसको हम याद कैसे करेंगे, मान लो हॉट का मतलब है यस और कोल्ड का मतलब है नो। जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको करना क्या है, आप क्या बोलोगे आई एम ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, कि जब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ व्हाट आई हैव गॉट टू डू, कि मुझे एसएससी करना है या नहीं करना, जब मैं डाउट में हूँ आई एम इन द स्टेट ऑफ डाउट, आई विल से आई एम ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। व्हेन आई से आई एम ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड इट सिंपली मीन्स आई एम अनएबल टू डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। फाइन, तो ये हमने यहाँ तक पढ़ ली है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, ये मैं रब कर देता हूँ। जो जो मैंने इडियम्स अभी तक डिस्कस किए हैं, जो जो हमने इडियम डिस्कस किए हैं, हाँ यू कैन से कन्फ्यूजन्स नो प्रॉब्लम, आई कैन रीडिंग द कमेंट्स राइट नाउ। पहले कमेंट्स मैं पढ़ नहीं रहा था, तो आई विल आस्क यू गाइज कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी व्हाट इज स्मेल रैट। स्मेल रैट का मतलब क्या होता है, कैन यू गाइज टेल मी व्हाट इज स्मेलिंग रैट। रैट स्मेल करना क्या होता है। बुधराज, सोनिका, बलजीत, कैन यू टेल मी व्हाट इज स्मेलिंग रैट। Anybody? No answers. Okay, fine. Gadbad. That's good. Okay. What is on the horns of dilemma? What is on the horns of dilemma? What is seek by Joel? Very good, Nilam. Very good, Pradeep. Rakhi, good. Santosh, good. Anju, very good. In a state of doubt, confusion, you are not able to decide कि हमें करना क्या है, that is on the horns of dilemma. What is seek by Joel? What is beating about the bush? Beat about the bush. Anju, मैं बताता हूं अभी। In full swings. छोटेलाल सही है, इरद गिरद गुड। यस संजू, क्लोज रिलेशनशिप्स इज चीक बाय जॉल। बीट अबाउट द बुश का मतलब टू ड्रम इट फास्ट नहीं होता। बुधराज, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है आसपास की बातें करना, टू टॉक अबाउट सराउंडिंग्स। यस राखी, यू राइट। इन फुल स्विंग्स क्या होता है, पूरे जोरों पर। नेक्स्ट मैं पूछता हूं, नेक्स्ट है टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स।
What is to and fro? To play ducks and drakes is wasting of money. Yes, Pradeep Ranga, you're right. Baljeet Singh, आप सही हैं बिल्कुल. What is to and fro? To and fro का क्या मतलब होता है? What is to and fro? To and fro का क्या मतलब है? What is to and fro? Yes, आगे पीछे आगे पीछे. Next is add fuel to the fire. क्या होता है? What is adding fuel to the fire? To and fro, रविंदर साइड बाय साइड नहीं होता. रविंदर जी, टू एंड फ्रो साइड बाय साइड नहीं होता. टू एंड फ्रो आगे पीछे होता है. यस नीलम राणा, आप सही हैं. आग में घी डालना. एंड फ्यूल ऑफ फायर क्या होता है? आग में घी डालना. ओके, हार्ट एंड सोल क्या होता है? व्हाट इज हार्ट एंड सोल? हाँ, एग्जैगरेटिंग कह सकते हो आप, बिल्कुल सही है. आग में घी डालना. हार्ट एंड सोल क्या था? लिव इन लर्च का क्या मतलब होता है? यस नीलम, दिल और आत्मा, बिल्कुल सही है आप. दिल और आत्मा से कोई काम करना, दिल और जान से कोई काम करना. और व्हाट इज लिविंग इन लर्च? लिविंग इन लर्च क्या होता है? नेक्स्ट इज गेट इन टू द हॉट वाटर. गेट इन टू द हॉट वाटर क्या होता है? गेट इन टू द हॉट वाटर का क्या मतलब होता है? यस अंजू, बिल्कुल सही है आप. लीव इन लर्च का मतलब होता है मझधार में छोड़ना. गेट इन टू द हॉट वाटर क्या होता है? ओके, आप मुझे बताइए रेड लेटर डे क्या होता है? व्हाट इज रेड लेटर डे? बताइए व्हाट इज रेड लेटर डे? व्हाट इज रेड लेटर डे? ओके, अब आप मुझे बताओ विन लॉरल्स क्या होता है? आगे बताइए विन लॉरल्स क्या होता है? अच्छा, आगे आप मुझे बताओ विन लॉरल्स के बाद आपने बताना है इन्स एंड आउट्स क्या होता है. इन्स एंड आउट्स. यस नीलम, शोहरत, बिल्कुल सही है. प्रदीप रांगा, बिल्कुल सही है. शोहरत, नाम कमाना भी सही है. विन लॉरल्स, इन्स एंड आउट्स क्या होता है? इन्स एंड आउट्स क्या होता है? ओके, नेक्स्ट है आउट ऑफ सॉक्स. आउट ऑफ सॉक्स का क्या मतलब होता है? नेक्स्ट है आउट ऑफ सॉक्स का क्या मतलब होता है?
यस नॉट फीलिंग वेल आज हमने इतना कर लिया आई होप हमने जितने भी idioms एंड फ्रेजेस किए हैं वो आपको समझ आए होंगे नेक्स्ट क्लास में हम और आगे लेके जाएंगे इस टॉपिक को idioms एंड फ्रेजेस नेक्स्ट क्लास में हम टारगेट रखेंगे हम कम से कम 30 से 40 idioms एंड फ्रेजेस कवर कर लेंगे आधे घंटे में ओके फाइन मैं पहले ही ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम हम कवर कर सकें क्लास आधे घंटे की हमारी तो आज इतना ही करते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे थैंक यू